सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइस, हम लोग उठ चुके हैं सैरी करने के लिए। अभी बज रहे हैं 5:10 कम है। सो बस अभी हम लोग बैठे सैरी करने के लिए। अम्मी भी रोटी बना रहे, पराठे बना रहे मतलब। सो उनके भी पराठे होने आए और एंड मैं भी बैठ गई सैरी करने के लिए। सो आप लोग को दिखाती हूँ कि आज सैरी में क्या है। गाइस, ये रही मेथी की भाजी एंड अम्मी ने अभी इतने सारे रोटी है इसमें एक दो एंड पराठे हैं बाकी के बनाए हैं। और बस ये तो भाजी है, इसमें भी चावल ही है और एक ही अम्मी बनाना। और एक ये रहा चीज़ बॉल जो कल बनाए थे अम्मी ने अफ्तारी में, तो हम लोगों ने कल रात में खा लिए थे खाने में। सो वो एक ही रखा हुआ है, तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा खा के ख़त्म कर देंगे। एंड बाकी के फ्रूट्स भी बहुत सारे फ्रिज में रखे, तो पहले एक एक रोटी खा ले, उसके बाद थोड़ा फ्रूट्स भी खा लिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना जाता भी नहीं है सैरी में, आप लोग को पता ही होगा पेट में। सो जो भी है हल्का फुल्का हम लोग भाजी रोटी खाते हैं, चाय पी के थोड़ा सा अगर ऐसा लगा फ्रूट खाने की जगह है तो फ्रूट खाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खाएंगे। सो चले फिर सैरी कर लेते, फिर आप लोगों से मिलते। सो गाइस, सारा दिन इतनी गर्मी होती है, मतलब गर्म लगता है हमारे घर में, तो फिर भी माशाल्लाह तक पता नहीं चलता है क्योंकि पीछे जंगल है, बट सारा दिन इतनी गर्मी रहती है। सुबह में इतनी ठंडी लग रही है कि पंखा स्लो करके मतलब बंद कर देती, लेकिन कैसे फिर लोग चिल्लाने लगेंगे, तो इसलिए पंखा इतना स्लो करना पड़ा हुआ। बहुत ठंडी लग रही है, पूरे हाथ के रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैंने रात में ज़्यादा शूट नहीं की, फिर सैरी वैरी करके नमाज़ पढ़ के हम लोग सोने चले गए थे। सो मैंने अभी 3 व्लॉग स्टार्ट करी, मतलब अभी 3 नहीं है, 3:10 भी बाकी है। तो उठी फिर मैं फ्रेश वगैरह होके नमाज़ पढ़ी है, सुहान भी स्कूल से आके सोया है, क्योंकि सैरी करता है, सैरी करने के बाद वो सोता नहीं, क्योंकि 7 जाना रहता है और वो आता ही 6:15 तो 7:30 शायद कुछ वो स्कूल के लिए निकलता है, तो वो सोता है नहीं, मोबाइल देखता रहता है, फिर स्कूल जाता है तो 11 आता है। तो बस अभी आके नमाज़ पढ़ के वो सोया है, और अम्मी भी नहा वहा के कपड़े, आज अम्मी ने कपड़े धोए हैं, सो अम्मी भी नहा वहा के नमाज़ पढ़ के गए नीचे मोटर लगाने के लिए। सो अभी हम भरने जा रहे हैं पानी, यानी मैं पानी वानी भर लेंगे, फिर इफ्तारी की तैयारी करेंगे। सो आज इफ्तारी में क्या बनने वाला है वो अभी आप आगे आप लोगों को पता चलेगा। आज अम्मी बोले कि मैं मतलब बहुत थकान लग रहा है, सो मैं आज ज़्यादा मतलब कुछ बड़ा नहीं बनाऊँगी, रेसिपी नॉर्मल सा ही बनाऊँगी। सो वो बनाएंगे भी एंड आप लोग से शेयर भी हो जाएगी। सो चलिए फिर सीधा मिलते हैं आप लोगों को पानी भरने के बाद। हमारा पानी भर के हो चुका है एंड अभी इफ्तारी की तैयारी बस चालू है। सो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आज मेरी अम्मी इफ्तारी में क्या बना रहे हैं। कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गए सैयद फैमिली ब्लॉग में। तो आप सबको तो आज का 5वां रोज़ा मुबारक, और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, है कि नहीं। और आज तो मैं छोटी सी एक रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं क्या बनाऊँगी, मैं वही सोच रही थी आज आप लोगों से क्या शेयर करूँ, तो मैं बोली चलो आज मसूर की दाल के भजे बनाती हूँ। आज अम्मी एक्चुअली रेसिपी नहीं देने वाले थे, नहीं देने वाली थी, मैं बोली कि आज मतलब रोज का मतलब इंसान को थक जाता है कर करके, तो मैं बोली कि आज क्या बनाऊँ, तो मेरी चलो आज मसूर की दाल के भजी, छोटी सी भी रेसिपी रहेगी और ज़्यादा वो भी नहीं। देखिए आप लोग कैसे बनाते मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ना मसूर की दाल के भजिया आप लोग कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, और मुझे कमेंट करके बताना हाँ आप लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी रेसिपी में क्या क्या लगेगा वो भी आप लोग को देखा। तो मैंने मसूर की दाल ली हूँ, है ना, इससे मैंने दो कप भर के मैंने मसूर की दाल ली हूँ, उसको मैंने 3 पहले भिगा के रख दी थी, क्योंकि हमारी मसूर की दाल जल्दी से भीग जाती है ना, तो इसे अच्छे से भीगना चाहिए, है ना। देखिए भीग गई हमारी मसूर की दाल, तो मैंने इसको अच्छे से मैंने 3 पहले भिगाई हूँ। और इसको अभी हम मैंने ली उसके अंदर कितनी 5 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक और 1 लहसुन छील लेना है, और इसी के साथ में इसको पीसना है। जब हम मिक्सर की बाटी में पीसेंगे ना, तो इसको भी डाल के पीसना है। हाँ, ये दोनों साथ में पीस के लेना, इसको साथ में पीस के लेना है एकदम बारीक, और ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके पानी डाल के पीसना है, एकदम ज़्यादा पतला नहीं करना उसको, हल्का हल्का सा। ये हमारे सूखे मसाले भी आएंगे इसके अंदर, जैसा कि धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, 1 जीरा और मिर्ची पाउडर, 1 जीरा पाउडर, और ये है गरम मसाला, हाँ ये सब 1-1 ली हूँ मैंने। और बीच में नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1 लेना है।
और ये मैंने दो आलू ली हूँ, आलू को भी उबाल के लेना है, दो आलू लेके उसको उबाल लेना है और उसको कद्दूकस कर लेना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और दो कांदा है, कांदे को बारीक बारीक मैंने काटी हूँ, कोथमीर ली है, कोथमीर को बारीक काटना है, कोथमीर थोड़ा इसमें ज़्यादा लगेगी है ना, इसमें कोथमीर थोड़ा आप लोग ज़्यादा लेना। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस के ले लेते हैं। तो गाइस अम्मी तो अभी जा रहे हैं ये दाल और ये मिर्ची वगैरह इसको पीसने के लिए, सो जब तक के मैं आलू को अच्छे से कद्दूकश करके ले लेती हूँ। अम्मी बोले मैं पीस रही हूँ, जब तक के तू इसको कद्दूकश कर ले। सो अम्मी ये पीस लेंगे एंड ये मैं कद्दूकश कर लेते, फिर आप लोगों को आगे बता। मसूर की दाल को अच्छे से बारीक पीस के ले ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं है ना, ऐसे ही पीसना है। अगर थोड़ा सा इसमें अक्खा भी रह गया ना मसूर की दाल दो तो कोई बात नहीं है, है ना। और देखिए मैंने पानी जिसमें थोड़ा थोड़ा ही डाली हूँ, एकदम ज़्यादा पतला नहीं की हूँ। तब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम जो ये रखे ना कद्दूकस करके रखे ले आलू, तो सबसे पहले हम आलू ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिए आप लोग पहले आलू डाल देंगे, पूरे आलू मैंने अच्छे से मुस्कान ने पूरा कद्दूकस करके ले लिए। तब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो सूखे मसाले हमारे सूखे मसाले, और साथ में हम जो कांदा और कोथमीर रखे थे उसको भी ऐड कर लेंगे। और हाथों की मदद से मस्त मिक्स करके लेंगे, अच्छे से सब मिलाना है ना, आराम आराम से। देखिए खूब अच्छे से मिला लेना है। गाइस मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके घर में कौन कौन मसूर की दाल के भजिए खाता है। हाँ एंड आप लोग बनाते हो या नहीं जरूर हमें बताना। हाँ तो यहाँ पे हमें अच्छे से सारी बताना कि कैसे बनाते हैं, मेरे जैसे ही बनाते हैं कि कैसा बनाते, इसमें कुछ और चीजें ऐड होती है या क्या, सब चीज मैंने ऐड करी हूँ है ना। सबका तरीका अलग अलग होता है ना गाइस, मैं अलग बनाती हूँ, आप लोग अलग बनाते होंगे है ना। तो देखिये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ उसको, अच्छे से इसको मिक्स करना है, कांदा वांदा है ना इसमें, कोथमीर वितमीर है सब, तो इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बड़ा सा बर्तन लेना है इसमें अच्छे से, अरे अच्छे से मिक्स कर लियो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं सोडा डालूंगी, सोडा भी ऐड करूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब तलने जाऊंगी तब ऐड करूंगी इसमें। तो चलो अभी इसको तलने की तैयारी करते हैं ना। मैं बोली थी ना आप लोगों को कि मेरे को सोडा भी डालना है, तो मैंने एक चम्मच आधा चम्मच मतलब सोडा ली हूँ, सोडे को मैंने पानी में ऐड कर दी। तब हम उसको थोड़ा पतला करने वाले ना, ढीला ढीला, तो हम इसको सोडे को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको हाथ की मदद से एकदम फेंटना है अच्छे से, अच्छा फेंटना है ऐसा अच्छे से, ताकि हमारे जो भजी है ना अच्छे नरम और अच्छे बनेंगे एकदम मस्त एकदम। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमको ऐसा फेंट लेना है। मैंने आधा गिलास पानी ली हूँ, मैंने अच्छे से फेंट के ले ली हूँ। आप लोगों को तो अच्छे से फेंटना है तो मस्त एकदम से, और थोड़ा थोड़ा पानी देखो डाल दिया, इतना पानी बचा है मेरे वो भी डाल देती हूँ। देखिए इतना पानी है सारा इसमें ऐड करना है और इसको भी अच्छे से फेंटना है। मेरा अच्छे से सोडा डाल के हो गया, मैंने मिक्स भी कर ली हूँ इसको, कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छा मैंने फेंटी हूँ। जितना अभी फेंटेंगे ना उतना अच्छे से हमारे भज्जे एकदम क्रिस्पी अच्छे बनते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं तेल गरम करने रखी हूँ, ये तेल हमारा फ्राई करने वाला ही तेल है, जो मैं तेल तली थी ना मैंने कल चीज़ बॉल के, हाँ चीज़ बॉल बनाई थी। तो हमारे अब तो रोज ही हमको फ्राई करना पड़ता है हर चीज़ें, तो मैं वो तेल मैंने छान के रख दी थी, तो मैं वही तेल यूज़ कर रही हूँ। हाँ, फेंकने का क्यों इतना सारा तेल, तेल वेस्ट हो जाता है हमारा, अभी रमजान में हमको तो कितना तेल लगता है ना। हाँ, तो वो तेल मैं क्या करती हूँ छान के एक डब्बे में भर के रख देती हूँ, फिर दूसरे दिन अपन को वही तेल काम आता है। लेकिन मैं ये तेल सिर्फ फ्राई करने में ही तलती हूँ, बाकी तो खाने का मेरा दूसरा ही रहता है, खाने में दूसरा तेल, बाकी फ्राई के लिए फ्राई किया आप लोग। मैंने अच्छा एकदम मतलब छान के रखी थी तेल, तेल हमारा गरम हो गया है और थोड़ा थोड़ा सा हम इसको ऐड करेंगे इसमें। तेल एकदम मस्त गरम अच्छा गरम हो गया है ना, और इसको हम आराम से डालते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं तेल गरम होने के बाद फटफट फटफट हो जाता है। जितने हम कढ़ाई में आएंगे उतने हम भजिए इसमें ऐड करेंगे।
बस पहले इतने उन देंगे, पहले लाल फिर आप लोग को। एक तरफ से लाल हो गया है तो मैंने एक तरफ से मैंने पलट लिया, आप लोग देख सकते हैं इस पर कलर भी आ गया है। अब इसको भी ये साइड से लाल करके लेना है। तो माशाल्लाह देखिए कैसे फूल रहे हैं हमारे भजिए, है ना, एकदम ऊपर एकदम कलर आ रहा है, एकदम अभी फूल के एकदम ऊपर आ जाएगी अभी। तो चलिए अभी लाल करके लेते हैं। हमारे लाल हो गए, आराम आराम से इसको निकाल लेना है। इसकी स्मेल एकदम चिकन फ्राई करते हैं ना वैसी खुशबू आ रही है, लिटरली गाइस चिकन फ्राई करते हैं ना वैसी ही स्मेल आ रही है। आप लोग देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे भजे बने ना। बाकी मसूर की दाल के भजे बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी जरूर बना के खाएं। मैं तो दूसरा चिकन बोलती हूँ उसको क्योंकि एकदम चिकन की ऐसी खुशबू आ रही है, सर अम्मी चिकन ही फ्राई कर, चिकन फ्राई कर, बहुत मजे के बनते हैं ये। चलो अभी निकाल लेते हैं और सारे भजिए भी ऐसे ही फ्राई करके ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, देखिए तो चलिए गाइस, अरे ऐसा है माल के। हाँ तो चलिए गाइस, अम्मी सारे भजिए फ्राई करेंगे। मेरी अम्मी के सारे भजिए बनके हो गए तैयार, वो जब हम अफ्तारी करने बैठेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड गाइस मैरी से रिलेट कुछ क्वेश्चंस थे कमेंट में, मतलब हर व्लॉग में कमेंट आता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन रहता है कि मैरी कौन है एंड मैरी की कास्ट क्या है, मैरी आपके साथ रहती है। तो मैं बोली कि चलो आज के व्लॉग में मैरी से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैरी कौन है? मैं ये क्या होता है इतना बुरा। तो गाइज मैरी मेरी दोस्त है ना, हम लोग मतलब ऊपर नीचे रहते, साथ में बोले तो एक घर में नहीं रहते, घर का आना जाना रास्ता है एक ही है। वो आप लोग होम टूर के व्लॉग में हमारे देख सकते हो। अगर आप लोग को होम टूर का व्लॉग वापस से चाहिए तो कमेंट करना, इंशाल्लाह रमज़ान बाद फिर हम लोग अपना घर दिखाएंगे। एंड सेकंड, मैरी की कास्ट क्या है, मैरी तेरी कास्ट क्या है? बंगाली। यस, ये बंगाली है जो कि मैंने बता चुकी हूँ। एंड मैरी का नाम है मैरी, सो जो कि है क्रिश्चियन नेम। सो वो क्यों है? डैडी ने रखा था। हाँ वो बोलती मुझे खुद को मेरा नाम, हर लोग पूछते हैं मतलब तुम्हारा मैरी नाम है तुम क्रिश्चियन हो गया? नहीं, क्योंकि वो क्रिश्चियन नेम आता है ना इस वजह से, तो सब उसको क्रिश्चियन ही समझते, बट वो क्रिश्चियन नहीं है, उसका नाम सिर्फ उसके डैडी ने रखे है, तो बट वो बंगाली है। बस ये कुछ क्वेश्चन थे जो क्लियर करने थे। एंड अभी वो पता है आप लोग को सब जगह नायरा बताती है अपना नाम, मैरी नहीं बताती किसी को। जो बहुत ऐसे खास खास लोग हैं ना उन लोग को ही मैरी पता है, बाकी आप लोग उसकी इंस्टा आई डी भी देखोगे ना नायरा ही है। एंड इंस्टा पे जितने हमारे फ्रेंड्स वगैरह बोलती मुझे खुद मेरा नाम अच्छा नहीं लगता है, बट उसके पापा ने रखे, अभी कोई बात नहीं, सब वो नाम है मैरी। गाइस मेरे मसूर की दाल के भजिए तैयार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं मस्त बने हैं, अभी खाने के बाद पता चलेगा, है ना। हाँ तो जब हम लोग अफ्तारी खोलेंगे तो आप लोग उसका रिव्यू भी देंगे। तो मस्त बने, आप लोग भी लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको मसूर दाल के भजिए कैसे लगे, और आप लोग भी जरूर बना के खाइए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। यस एंड गाइस माशाल्लाह हम लोग बैठ चुके हैं इफ्तारी करने के लिए। एंड यहाँ पे भी आ चुके हैं मैरी। मैरी को मैं इतना आवाज़ दे रही थी, मैरी मेरी सुनी नहीं, मैरी अभी उठी है तो अभी आई है। मैडम सोई थी वो, क्योंकि उसके पेपर था ना आज, कभी था लास्ट पेपर? अभी मंडे मंगल सही है, तो मतलब फिर खत्म हो जाएंगे। मैरी को भी रोजा लग रहा है, बाहर कितनी धूप है, सोच हम लोग का रोजे में क्या हाल हो रहा है, सोच तू। सो गाइस सुहान गया है अजान सुनने के लिए, वो आप लोगों को पता है वो हमेशा ऐसे, हम लोग भी जब छोटे थे हमें, हम लोग भी जाते थे ना, हम लोग मतलब जितिया मेरी फ्रेंड लोग थी ना, बहुत फिसलता है दुपट्टा स्कार्फ इन्होंने पहने ना मेरा। हाँ ना तो कैसी लग रही है मेरा तो मेरे को दुपट्टा बहुत फिसल जाता है, सर पे बैठता ही नहीं है। अच्छा है, मैं भी लूंगी काला वाला, ये तुम ले लो, मुझे एक और केक मंगा दे। शांति देख के रखी है उसने, मीशो पे देख के रखी, वो सिल्वेस वाला है, मतलब जो आस्तीन के साथ आता है वो बहुत प्यारा है, दिला दो। चलो देखेंगे फिर अगर रहेगा तो, मुझे ना आस्तीन वाला सिल्वेस। गाइस मैरी जा रही है अभी भजिया टेस्ट करने के लिए, मुझे रिव्यू भी दे देना। नाइस, अच्छा लग रहा है, चकलो चकलो रिव्यू दे दो, अपने अपने एक्सप्रेशंस दे दो, माशाल्लाह मस्त ना।
बातें में गाइस अपनी तारीफ में खुद क्या करूँ, आप लोग मेरी तारीफ करना। मैंने तो गाइस पहले ही खा ली और मेरा एक्सप्रेशन पहले ही निकल चुका है, तो मैं अभी क्या ही एक्सप्रेशन दूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है ना मसूर की दाल के भजिए ना। चलो कोई बात नहीं, खाते रहो जीते रहो। चले गए कर लेते मेरे साथ, कह रहे कि तू बनाना सीख जाएगी। ओहो चलो ठीक है, ससुर दाल पर तुम्हारी रेसिपी व्लॉग देख देख के हमारा खाना बनाना। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो गई एंड इफ्तारी करके नमाज वगैरह भी पढ़ ली है और अफ्तारी के जो बर्तन निकले थे वो भी धोखे हो गया। बस अभी अम्मी बना रहे खाना, आज अम्मी बना रहे पत्ता गोभी की भाजी चावल। सो बहुत थकान हो गई एकदम, मतलब नींद आ रही, एकदम आलस बना हो रहा है। अफ्तारी खोल लो ना ऐसा लगता है बस कुछ भी नहीं, सिर्फ बिस्तर और तकिया दे दो सो जाने का आराम से। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.